ये देखिए, ये इनको इनके घर से बाहर निकाल के देखिए क्या बढ़िया इनकी सेहत का ध्यान किया जा रहा है। ये सब कुछ सेहत के नाम पे हो रहा है, इस व्यक्ति की सेहत के नाम पे इसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। किसी फिल्म का शो नहीं है ये होगा आपके साथ, ये सब चीजें होने वाली हैं आपके साथ। अगर ये फसलें बर्बाद की जा रही हैं, की माँ तू कब तक खैर बनाएगी, और ये गुलामी जो है जल्द ही तेरे घर भी आएगी। इन हालातों के अंदर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और सरकारें किस तरफ जा रही हैं, तो क्या क्या बताएं हम आपको, लगातार पहुंचा रहे हैं आप तक ये सब बातें। तो ये जो पब्लिक हेल्थ बिल आ रहा है ना, अगर ये पास हो गया तो क्या हालात होंगे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ मैं। ये हालात होंगे, ये चल रहा है चाइना के अंदर। और वहाँ पे जैसा कि आप जानते ही हैं सोशल क्रेडिट सिस्टम है बहुत लंबे समय से, जिसको की लाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। भारत के अंदर सोशल क्रेडिट सिस्टम लाने की पूरी कोशिश की जा रही है, और हमारा जो प्रधान सेवक है वो भी इस प्रकार की बातें कर रहा है बार बार। वो कह रहा है कि देश के अंदर जो है इस समय पे कैशलेस सिस्टम को बढ़ावा देना होगा। तो भाई कैशलेस सिस्टम जब आ जाएगा तो ये हाल होने वाला आपके साथ। इतना ही नहीं, थोड़ी कुछ और चीजें दिखा देते हम आपको। ये देखिए, किसी फिल्म का शो नहीं है ये होगा आपके साथ, ये सब चीजें होने वाली हैं आपके साथ। अगर आपने मिलके नहीं रोका तो ये होगा। कैसे इन लोगों को जेल में बंद कर रखा है, घरों को और आसपास के एरियाज को किस प्रकार से इन लोगों ने जो है एक प्रकार की जेल का रूप दे दिया है और लोगों को उसके अंदर कर दिया है बंद, तो ये होने वाला है। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था ये कैशलेस सिस्टम के बारे में। भाई अभी राजस्थान गए हुए थे, आपने शायद वीडियोस देखी होंगी, और नहीं देखी हैं वीडियोस और बातें जो भी वहां पे, वो सब बातें नहीं पूछ देखी हैं और नहीं समझी हैं, तो जाके उन वीडियोस को देख लो, मेरे नाम से आपको मिल जाएगी, एडवोकेट साहिल गोयल के नाम से, और हमारे जनता सरकार मोर्चा जो है उसके पेजेस पे मिल जाएंगी आपको, तो वो देख लो। तो एक चीज बड़ी दिलचस्प रही कि राजस्थान के टूर के ऊपर लगभग चार एटीएम्स में मैंने खुद ट्राई किया कैश निकालने के लिए, तो चार एटीएम के अंदर कैश नहीं निकला। तो कैश जो है, मतलब आपके देश के अंदर ऑलरेडी ये लोग कह रहे हैं कि हम डिजिटल इकोनॉमी लाएंगे, तो मुझे तो लगता है ऑलरेडी कैश की जो है कमी करनी इन्होंने शुरू कर दी है। और आने वाले समय में ये लोग ये तक कहेंगे कि आपके जो कागजों वाले नोट हैं, वो जो रसीदें हैं, जिसको मैं खैर मुद्रा या जिसको मैं आपकी संपत्ति तो नहीं मानता, एटलीस्ट वो जो नोट है जो आज के दिन इस्तेमाल किए जा रहे हैं, कुछ हद तक जो है आप इस सिस्टम से लड़ने के लिए उस कैश इकोनॉमी का यूज करके आप कुछ हद तक जो है अपने आप को बचा सकते हैं और आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। लेकिन ये सरकारें जो हैं आपको उससे भी लड़ने नहीं देंगी, और ये लगातार इस चीज में लगी हुई हैं। तो भाई कैश जो है एटीएम्स में मिलना धीरे धीरे कम हो गया है, और आज हरियाणा के भी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहां पे मैं था, अगर मुझे फोटोग्राफ मिलता है तो मैं आपको दिखाता हूं, वहां पे भी जो है ये कैश अभी है नहीं इस फोन के ऊपर, मैं पोस्ट कर दूंगा उसके अपने ट्विटर के ऊपर, तो ट्विटर के ऊपर भी आप देख सकते हैं एडवोकेट साहिल गोयल आपको मिल जाएगा, वहां पे मेरे जो ट्वीट्स हैं आपको मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं। तो बात यह है कि जो कैश है उसकी किल्लत ऑलरेडी होनी शुरू हो गई है, और बैंकों को शायद से इंस्ट्रक्शन जारी हो गया है
कि आपने बहुत लिमिटेड अमाउंट में जो है इन एटीएम्स के अंदर कैश डिपॉजिट करना है, कैश मतलब जो है अवेलेबल रखना है उन एटीएम मशीन्स के अंदर, तो उसकी जो है कार्रवाई इन लोगों ने शुरू कर दी है। तो ये जो चीजें एक्चुअल में आपके काम आती है इस समय के ऊपर इन सब लड़ाइयों को लड़ने के लिए, उसके लिए सरकारें लगातार कोशिश कर रही हैं कि आप लोगों के पास कैश भी ना हो, आप लोगों के पास वो सब चीजें साधन ना हो जिसके माध्यम से आप लोग आत्मनिर्भर रह सके। याद रखिए, ये लोग बातें करेंगे आत्मनिर्भर भारत की, लेकिन हमेशा आपको इस तरह का बनाएंगे कि ये आपको ऐसा बना देंगे कि आप लोग इन पे डिपेंडेंट रहें, आप सिस्टम पे डिपेंडेंट रहें। अभी हमारे यहाँ पे जो फसलें आई हैं उन फसलों को यहाँ से बाहर भेजने की तैयारी में ये लोग लगे हुए हैं, और साथ साथ उन फसलों को तो बाहर भेज ही रहे हैं और बीजों के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं वो भी आप सब लोग अच्छे से जानते हैं। इसके साथ साथ ये लोग, इनका खुद का डाटा है जो शो करता है कि जो पहले लोग, कितने लोग गरीबी रेखा के नीचे थे या कितने लोग जो है मुफ्त में खाना खाते थे, जो सरकार की भीख वाला खाना होता है वो कितने लोगों को लेना पड़ता था, और जो बाकी के लोग थे वो लोग जो है खुद से जो मतलब किसी हद तक जो अर्न कर पाते थे, कुछ अपना खाना जो खुद अर्न कर पाते थे, कमा पाते थे और उसको ले पाते थे, वो कुछ लोग और थे। तो उसकी संख्या जो है लगातार बढ़ी है जो लोग सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट है खाने के लिए। याद रखिए, अगर आप लोग खाने के लिए भी सिस्टम पे डिपेंडेंट है या किसी सरकार पे डिपेंडेंट है, तो सरकार को अपने किसी भी प्रकार के प्रोपेगेंडा को चलाने के अंदर, किसी भी प्रकार की अपनी साजिश को कामयाब करने के अंदर सरकार को कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अगर आप अपने खाने के लिए भी उन लोगों पे निर्भर हो गए तो ये इससे गंदी बात कुछ नहीं होती, इससे मतलब तुच्छ लेवल की जो आपकी गुलामी कुछ नहीं होती। क्योंकि अगर आपका खाना भी उन लोगों के हाथ के अंदर है तो इससे ज्यादा आप और कैसे गुलाम बनेंगे। क्योंकि जब मर्जी उनका मन चाहेगा वो आपको कह देंगे कि आपको इतना ही राशन मिलेगा, जब वो कह देंगे कि इस व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ कुछ बात करी, सरकार की कुछ पॉलिसीज के खिलाफ कुछ बात करी, तो उसको खाना मिलना बंद हो जाए या उसके खाने के अंदर कुछ ऐसी चीजें मिलने बंद हो जाए जिससे उसके शरीर को पोषण मिले। तो इस प्रकार की चीजें लगातार ये लोग कर रहे हैं। ये फसलें बर्बाद की जा रही हैं, ये ऐसे आपकी फसलें बर्बाद की जाएंगी। अगर आपने सही समय रहते इन सब चीजों को नहीं रोका तो भाई मेरे किसान भाइयों, ये होने वाला आपके साथ, आपकी फसलों तक को आप खुद बो नहीं पाएंगे। और अगर आपने बो रखी है, सिस्टम को पता लग गया कि आपके पास खुद की खेती है, वो लोग आके आपकी खेती को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सिर्फ इस बात के ऊपर कि आप लोगों ने जो है आपकी खेती के अंदर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी होने की संभावना है। भाई बीमारी होने की संभावना के ऊपर आपकी फसल को खत्म कर देंगे। ये देखिए, ये इनको इनके घर से बाहर निकाल के देखिए क्या बढ़िया इनकी सेहत का ध्यान किया जा रहा है। ये सब कुछ सेहत के नाम पे हो रहा है, इस व्यक्ति की सेहत के नाम पे इसके साथ ये सब कुछ किया जा रहा है। समझ में आ रही है बात? हंसी आती है मुझे हमारे देश के लोगों को देख के भी। और ये कहते हैं कि हम करें क्या भाई, आवाज उठानी पड़ेगी, बोलना पड़ेगा, बिना बोले फ्रीडम नहीं मिलेगा, फोकट में नहीं मिलेगा फ्रीडम।
सोचते हो कि घर बैठे बैठे कुछ चार छह लोग बोल देंगे और काम चल जाएगा उससे, तो भैया सबके घर आएगी ये गुलामी की जंजीरें जो हैं, गुलामी की सलाखे जो है ना, ये आप सबके घर पहुंचेगी। वही जो टाइटल में लिखा है ना मैंने कि बकरे की माँ तू कब तक खैर बनाएगी। भाई अपने अपने घरों में छुप के सोचते हो आप लोग कि ऐसे काम चल जाएगा, तो भाई बहुत देर हो जाएगी अगर घर से निकलने में देर कर दी आपने तो। ऑलरेडी देर हो ही चुकी है लेकिन अभी समय खत्म नहीं हुआ है, और अगर आज भी आप सब लोग जो है इकट्ठे होके निकलना शुरू करते हैं अपने घरों से तो बदलाव आएगा।